Assalamu alaikum dear students, I hope you're all doing fine. I welcome you in the third lecture of this week, intermediate part 2. And as you remember that in the last lecture we had completed chapter 2 along with its exercise, and today in lecture 3 of this week we are going to start chapter 3 from the novel Mr. Chips. Okay, goodbye Mr. Chips, our novel hai. Chapter 3 ko we are just going to start. ये आपके सामने डिस्प्लेड है बेटा, थोड़ी सी बजू आप बोर्ड की तरफ रखिएगा काइंडली। इस चैप्टर में हमें मज़ीद इंसाइट मिलेगी, मज़ीद हमें नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से वो रहा करता था, उसकी इंजॉय, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, कॉलर्स को मिलाना, वो जो उसको विज़िट करते थे उनको चाय वगैरह सर्व करना, यही सारी उसकी एक्टिविटीज़। के अलावा थोड़ा बहुत हवाला हमें मज़ीद इंट्रोडक्शन मिसेस विकेट के बारे में भी मिलेगा इस चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है जी। It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket let to him. Let to, आपने अमूमन होर्डिंग्स पे देखा होगा, वो जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड, उनके ऊपर टू लेट लिखा होता है, टू लेट और फिर नीचे उनका नंबर लिखा होता है। इट मीन्स के इसका क्या होता है, किराए के लिए दस्तयाब है। तो यहाँ पर उसने वो लेट टू हिम का मतलब कि उन्होंने उनको किराए पर दिया, उसको लेंट किया। इट वॉज अ स्मॉल, ये एक छोटा बट वेरी कम्फर्टेबल, बड़ा आरामदेह एंड सनी और रोशन कमरा था जो मिसेज विकेट ने मिस्टर चिप्स को किराए पर दिया। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, घर अपने आप में इतना खूबसूरत नहीं था, भद्दा सा ही था। एंड प्रिटेंशियस का मतलब होता है शोई, दिखने में था नहीं इतना वह अच्छा खूबसूरत घर। प्रिटेंशियस का मतलब है शोई, दिखावे के हद तक। बट दैट डिडेंट मैटर, लेकिन इससे फ़र्क ना पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, इट वॉज ईजी टू लिव, ठीक है, रहने के लिहाज से मिस्टर चिप्स के लिहाज से काफ़ी पुरासाइज था। दैट वॉज द मेन थिंग, और यही सबसे अहम बात थी। फॉर ही लाइक्ड, क्योंकि उसको पसंद था। इफ़ द वेदर वर माइल्ड, अगर मौसम बेहतर हो जाता इनफ काफ़ी हद तक, टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड्स, कि वो टहलता हुआ, स्ट्रॉल का मतलब क्या है, चहलकदमी करता हुआ, जेंटल अंदाज में प्रोमोनेट करता हुआ जो वो चला जाता सड़क पार, टू प्लेइंग फील्ड्स, खेल के मैदानों की तरफ। इन एन आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, एंड वॉच द गेम्स, और वहाँ पर होने वाली खेलों को देखता, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस लिहाज से वो कह रहा है कि ये कन्वीनियंट था, किसी वो अपने कमरे के हद तक महदूद नहीं था, स्कूल का वो एक लिहाज से रिटायरमेंट के बाद भी वो स्कूल का हिस्सा बना हुआ था। ही लाइक्ड टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स, मुस्कुराने का तबादला, यानी मुस्कुराहटों का तबादला करना उसको पसंद था, और एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स, बच्चों के साथ तबादला ख्याल करना, ठीक है, कुछ बातें करना विद द बॉयज़, लड़कों के साथ। व्हेन दे टच्ड देयर कैप्स टू हिम, ये एक जेस्चर ऑफ रिगार्ड होता है कि जब किसी बड़े को देखा तो जो कैप पहनी हुई है तो उसको, इवन अगर आपने मूवीज़ में भी देखा हो तो बाज़कर उस हैट को उतार लिया जाता है एज अ जेस्चर ऑफ यू नो ऑनर। तो लड़के जो हैं एहतरामन जब उनको देख के अपनी कैप्स को हाथ लगा के उसको सलाम करते तो वो उनके पास चला जाता, मुस्कुराता भी था उनको देखकर, और उनके साथ बातें भी करता था, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब कि उसको स्वाप करता था, SWAP, स्वाप, इंटरचेंज होती थी उनकी बातें आपस में। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो, उनको जानने का उसने एक अलहदा सा ख़ास अंदाज अपना लिया। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट, एक अलहदा सा उसने तरीका अंदाज अपना लिया ऑफ गेटिंग टू नो, उनको जानने का, ऑल द न्यू बॉयज़ के जितने भी नए लड़के थे, एंड हैविंग दैम टू, कि वो उनको इन्वाइट करता थी चाय पर, विद हिम, अपने साथ, ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म, उनके पहले तालीमी अरसे के दौरान, उस दौरान में, जैसे बच्चे नए एडमिशन होते थे उनका पहला दौर शुरू होता था उनकी तालीम का, तो उस पहले दौर में ही वो उनको अपने पास मदऊ करता था, उनको इनवाइट करता था, और इस तरह से उनके साथ बातें भी होती थी, और उसको उनके बारे में पता भी चलता था कि नए स्टूडेंट्स कौन से आए हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है। ये उसका एक ख़ास अंदाज था उनके साथ इन टच रहने का, स्कूल के साथ इन टच रहने का, ठीक है जी। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विथ पिंक आइसिंग, ठीक है, हमेशा जो है वॉलनट केक, अखरोट का जो केक था वही वो मंगवाता था, विथ पिंक आइसिंग, जिसके ऊपर जमी हुई जो है एक मीठे की परत होती थी, फ्रॉम रेडोवेज, ये वहाँ पे बेकर्स का नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी हैं आपके कि भाई उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी जब वो सुबह उठता था, या बच्चे उसको देख के कैप्स को टच क्यों करते थे, प्लस
वो बच्चों को किस तरह से उसके साथ उसका ताल्लुक बना हुआ था, वो उनको जान पहचान का उसका क्या तरीका था। यही तरीका था कि वो उनको अपने पास चाय पे बुलाता और उनके लिए, अच्छा वो क्या उनके लिए मंगवाता था, वो उनके लिए जनाब क्या मंगवाता था, वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडोवेज। अच्छा रेडोवेज क्या है, इतने यानी कि बाज का बिल्कुल लाइट से आंसर्स होते हैं कि अगर आप इनके अगर आप याद कर लें तो आप यूँ समझेंगे ग्रेटेस्ट, यू आर जस्ट गेटिंग 2 marks फॉर नथिंग, आपको मेहनत भी नहीं होती खास। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं हमें, ठीक है। इन द विलेज के गांव में जो रेडोवेज नामी बेकर्स था उससे वो जनाब वॉलनट केक मंगवाता जिसके ऊपर पिंक रंग की जो है वो आइसिंग या परत जमी हुई होती थी चीनी की मीठे की। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, और अगर सर्दियाँ होती दौरानिया सर्दियों के दरमियान में होता, देवर क्रम्पेट्स ये सॉफ्ट केक होते हैं ठीक है मक्खन वगैरह के साथ खाने के लिए टू, तो वो भी होते थे। अ लिटिल पाइल ऑफ देम, क्योंकि छोटा सा ढेर ही जो है इन फ्रंट ऑफ द फायर जो आग के सामने रखा हुआ होता, सोक्ड इन बटर और वो वेट होता, गीला हो चुका होता, तरबतर हो चुका होता मक्खन में, सो दैट द बॉटम वन ले, कि जो बिल्कुल आखिर में यानी पेंदे में जो पड़े हुए थे केक के टुकड़े होते थे वो पड़े हुए नजर आते इन अ लिटिल शैलो पूल, कि जैसे छोटे से कम गहराई वाले तालाब में पड़े हो। क्योंकि मक्खन आग के सामने पड़ा हुआ होता था तो उस आग की वजह से मक्खन जो है वो मेल्ट कर जाता था, तो केक तो उसके अंदर तरबतर हो गए, तो वो कहते छोटे छोटे टुकड़े होते केक के, ऐसे रहे जैसे वो एक कम गहरे मक्खन के तालाब के अंदर डूबे हुए हों। हिज गेस्ट्स फाउंड इट फन, मेहमानों को दिलचस्पी का बायस लगता, एंटरटेनिंग लगता, मज़ा आता टू वॉच हिम उसे देखकर मेक टी, कि जब वो चाय बनाता, मिक्सिंग केयरफुल स्पून्स के मिला रहा होता, हल कर रहा होता बड़ी एहतियात के साथ चम्मच भर भर के फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, कैडीज ऑफ बॉक्सेस को कह सकते हैं, मुख्तलिफ डब्बों से, यानी किसी में चीनी पड़ी है, किसी में ड्राइड मिल्क है ठीक है इस तरह से। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़, और फिर वो नए आने वाले लड़कों से वो कहा करता, वेयर दे लिव, के वो कहाँ रहते थे, पूछता उनका भाई उनके रिहाइश वगैरह के बारे में, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शन एट ब्रुकफील्ड, क्या ब्रुकफील्ड में उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब वगैरह थे। ही कैप्ट वॉच, वो देखता रहता था मुसलसल टू सी, ये जानने के लिए दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, क्योंकि प्लेट्स जो थी वो कभी खाली ना हो, यानी अगर एक दफ़ा केक ख़त्म हुआ तो उसमें वो मजीद केक्स को रख देता इस तरीके से। एंड पंक्चुअली, और बाकायदगी के साथ एट 5 बजे आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब उनकी इस मीटिंग को इस मुलाकात का जो दौरानिया होता 1 घंटा तवालत अख्तियार कर जाता, यानी कि जिसका दौरानिया 1 घंटे तवील होता, ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक एंड से, तो वो निगाह दौड़ाता घड़ी की जानिब और कहता, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, कि बड़ी खुशी हुई तुमसे इस तरह से मुलाकात करके, आई एम सॉरी, अब मुझे अफसोस है यू कांट स्टे, कि तुम मजीद अब यहाँ नहीं रुक सकते। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स, तो वो मुस्कुराता और उनके साथ मुसाफिया करता, विद देम इन द पोर्च देवड़ी में आके, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस, और उन्हें वो छोड़ भेज देता कि वो दौड़ के चले जाते अक्रॉस द रोड सड़क पार टू द स्कूल, स्कूल की तरफ, विद देयर कमेंट्स, अपने अपने रिमार्क्स के साथ, अपने अपने तबसरों के साथ। डिसेंट ओल्ड बॉय, बड़ा महजब सा बूढ़ा लड़का लगता है चिप्स, गिव्स यू अ जॉली गुड टी, आपको एक बड़ी अच्छी चाय, जॉली का मतलब वेरी गुड टी, एनी हाउ बहरहाल, एंड यू डू नो, और आपको पता भी चल जाता है, व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि जब वो चाहता है कि अब आप वहाँ से चले जाएं, लीव, पुश ऑफ का मतलब क्या, वांट्स यू टू लीव, कि वो चाहता है कि अब आप वहाँ से चले जाएं। एंड चिप्स वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट, चिप्स भी अपने तबसे को अपना ख्यालात का इजहार करता मिसेस विकेट से, व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, कि जब उनके कमरे में दाखिल होती टू क्लियर अवे, सफाई की गर्ज से, द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, पार्टी में बच जाने वाली अशिया की, चाय बच गई है, बिस्किट्स बच गए हैं, केक्स टुकड़े बच गए हैं, तो वो उनको साफ़ करने की गर्ज से जब कमरे में आती तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार मिसेस विकेट से किया करता था। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, एक बहुत ही दिलचस्पी भरा वक्त था ये मिसेस विकेट, यंग ब्रैंकसम टेल्स मी, वो जो नौजवान लड़का ब्रैंकसम था उसने मुझे बताया है, दैट हिज अंकल वॉज मेजर कॉलिंगवुड, कि उसके जो चचा थे वो मेजर कॉलिंगवुड थे, द कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन, ये वही कॉलिंगवुड है जो हमारे पास यहाँ पढ़ता था, नॉट टू 1902 की बात है, आई थिंक इट वॉज, वो कह शायद 1902 का जो है वो साल था। डियर मी, ओ खुदाया, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, कि मुझे कॉलिंगवुड बड़े अच्छे से याद है।
आई वंस थ्रैश्ड हिम, थ्रैश का मतलब कि बीट, पनिश्ड हिम, एक बार मैंने उसको सजा दी थी, मारा था फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ, कि वो खेलों के कमरे वाली छत पे चढ़ गया था टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, नाली से गंदे पानी वाली बॉल निकालने के लिए, गेंद निकालने के लिए. माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, अपनी गर्दन थोड़ा बैठता, द यंग फूल, नौजवान अहमक. डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, क्या आपको वो याद है मिसेस विकेट? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, शायद जब आप यहाँ पे थी वो तब भी यहीं पे था, यानी आप ही के दौर में वो यहाँ पे पढ़ता था. आप थोड़ा सा हवाला मिसेस विकेट के बारे में मजीद ऐड होगा. मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम, पैसा कुछ इकट्ठा करने से पहले मिसेस विकेट जो थी वो लॉन्ड्री शॉप की, कपड़े वगैरह जो मैनेज करते हैं धोने का, सफाई करने का जो ख्याल रखते हैं, स्कूल की बोर्डिंग स्कूल था, जहरी बात है बेडशीट्स होती हैं, उसके अलावा पिलो कवर्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, इनको वगैरह धोना, बच्चों के अपने कपड़े होते हैं यूनिफॉर्म के, ठीक है, लॉन्ड्री शॉप की वो क्या थी, वो इंचार्ज थी एट द स्कूल स्कूल में. यस आई न्यू हिम सर, हाँ मैं उसे जानती थी जनाब. चीकी वॉज टू मी, थोड़ा सा रूडली पेश आता था, थोड़ा सा बदतमीज था, गुस्ताखी कर जाता था जनरली आम तौर पर. बट ही नेवर एड्स नो वर्ड्स, बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हमारे दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बदतमीजी नहीं हुई, जस्ट चीकी लाइक, बस थोड़ा सा रूड था, आउटस्पोकन था, ब्लंट था, मुंह फट था. ही नेवर मेंट नो हार्म, उसका मकसद कभी किसी को तकलीफ देना नहीं होता था. दैट काइंड नेवर डज सर, इस तरह के लड़के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जनाब. वॉज इट हिम, क्या ये वही नहीं था दैट गॉट द मेडल सर, जिसको वो तमगा मिला था जनाब? यस, अ डी एस ओ, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ठीक है, उसको ये तमगा मिला था. विल यू बी वॉन्टिंग एनीथिंग एल्स सर, क्या आपको कोई और चीज़ चाहिए होगी जनाब? नथिंग मोर नाउ, अभी तो कुछ नहीं. टिल चैपल टाइम, जब तक गिरजाघर में इबादत का वक्त हो जाए. ही वॉज किल इन इजिप्ट, मिस्र में वो मारा गया था आई थिंक, मेरा ख्याल है. यस यू कैन ब्रिंग मी, यू कैन ब्रिंग माई सफर बार देन, आप तब मेरा खाना मुझे ला कर दे सकती हैं. वेरी गुड सर, बहुत बेहतर जनाब, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास मजीद मिसेस विकेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई कि वो लिनन रूम यानी लॉन्ड्री शॉप की वो इंचार्ज थी, और कुछ पैसा जब इकट्ठा हुआ तो फिर जॉब को छोड़ा और फिर अपने इस मकान में वो रहने लगी. अ प्लेजेंट प्लेसड लाइफ, प्लेजेंट खुशगवार, प्लेजरेबल, प्लेसड पुरसकून, सरीन, काम जिंदगी थी एट मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट के घर पे. ही हैड नो वरीज, उसे कोई परेशानियाँ ना थी. हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, एडिक्वेट कहते हैं सफिशेंट, उसकी जो पेंशन थी रिटायरमेंट के बाद जो उसको मिल रहा था पैसा वो उसके लिए काफ़ी था. एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप, और उसने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा भी कर रखा था बिसाइड्स मोर ओवर, इसके अलावा यानी पेंशन के अलावा जब उसकी जॉब थी तब भी उसने कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखा हुआ था. ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो हर चीज़ और कोई भी चीज़ खरीद सकता था. ही वॉन्टेड जो उसे चाहिए होती थी. हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली, उसका कमरा सादा अंदाज में सजा हुआ था. क्वेश्चन पेंशन के बारे में कि डिड ही हैव एनी काइंड ऑफ यू नो वरीज आफ्टर रिटायरमेंट, उसकी क्या कोई परेशानियाँ थी? कोई परेशानी थी, क्या उसके लिए पैसा काफ़ी था? बिल्कुल काफ़ी था, ये उसका जवाब. अब उसके कमरे की सजावट क्या थी उसके बारे में हमें अहवाल दिया जा रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन ऑफ कोर्स. हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली, उसका कमरा बड़े सादा अंदाज में सजा हुआ था, डेकोरेटेड था विद एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, ठीक है जी. उसके अंदर जो है एक स्कूल मास्टरली का मतलब कि उस्ताद का जौक, टेस्ट का मतलब कि जौक झलकता था. अ फ्यू बुक शेल्व्स, किताबों के लिए कुछ रखने के लिए खाने थे. एंड स्पोर्ट एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, खेलों के अंदर जो है मुतालिक जो ट्रॉफीज वगैरह होती हैं जो जीती हुई थी. अ मेंटल पीस, एक सफील सी बनी हुई थी क्राउडेड विद फिक्चर कार्ड्स, कि जिस पर हजूम था दावतनामों का, इनविटेशन कार्ड्स का. एंड साइंड फोटोग्राफ्स, और दस्तखत शुदा जो है तस्वीर थी ऑफ बॉयज, लड़कों की एंड मैन, और दूसरे लोगों की, आदमियों की. अ वर्न टर्की कार्पेट, एक ओल्ड तुर्की का बना हुआ कालीन, टर्की कार्पेट. बिग इजी चेयर्स, आरामदेह कुर्सियां बड़ी. पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर तस्वीर ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम, ठीक है, ये यूनान और रोम में पाए जाने वाली अदालतों के वो होते थे दफातर. इस दौर में होता यह था कि दिन में
यहाँ पे अदालतें सजती थी, ठीक है, जो मुकन्नना के काम या लीगल जो लेजिस्लेशन होती थी उसके काम यहाँ होते थे, और इवनिंग में ये फिर पब्लिक के लिए ओपन कर दिए जाते थे कि लोग वहाँ बैठ के तफरी के लिए जाते थे, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए। एक्रोपोलिस एंड फोरम, ये ऑब्वियसली कोर्ट्स थे उस दौर में, रोमन और ग्रीक्स, इनकी तस्वीर। और वो ज़ाहिर बात है लैटिन पढ़ाता और ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाता था, तो उससे मुतल्लिक ही सारी चीज़ें उसके पास थी। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम, तकरीबन हर चीज़ ही आ गई थी उस पुराने। ओल्ड हाउस मास्टर का मतलब क्या होता है? इंचार्ज। देखिए टीचर तो ये था ही, हाउस मास्टर कहते हैं कि जो बोर्डिंग स्कूल हाउस का भी इंचार्ज हो, ठीक है, और इसका कमरा भी वहीं पर ही होता था, ब्रुकफील्ड में ये रहता था। रिटायरमेंट के बाद ये पे मिसेस विकेट के यहाँ आके रहने लगा। तो यानी वो उस पुराने कमरे से जो कि इसको बोर्डिंग हाउस में बोर्डिंग स्कूल में दिया हुआ था रहने के लिए, तकरीबन वो कहता है कि हर चीज़ वहाँ से निकल के इस आ गई थी इन स्कूल हाउस, ठीक है, रूम इन स्कूल, यानी स्कूल हाउस में जो उसका घर था और जो उसके पास चीज़ें वहाँ कमरे में रखी हुई थी, हर चीज़ उससे बाहर निकल आई थी तकरीबन। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, किताबें ख़ास तौर पे क्लासिकल थी, यानी रिलेटेड टू हिज सब्जेक्ट, ग्रीक और रोमन सब्जेक्ट से मुतल्लिक थी। फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि ये उसका मज़मून था, उसका मेजर था, यही वो पढ़ाता था, ज़्यादातर किताबें उन्हीं से मुतल्लिक थी। देयर वॉज हाउएवर अ सीज़निंग ऑफ हिस्ट्री, कहीं कहीं समवट जो है हिस्ट्री से मुतल्लिक किताबें, तारीख से, एंड बेल्स लेटर्स, अदबी खतूत से मुतल्लिक किताबें भी कहीं कहीं नज़र आती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ बॉटम शेल्फ, एक पेंदे में भी, यानी कि शेल्फ था, एक खाना सा बना हुआ था, पाइल्ड अप, जो हीप अप था, भरा हुआ था विद चीप एडिशंस, सस्ते शुमारा जहाज से, ठीक है, किसके? ऑफ डिटेक्टिव नॉवल्स, जासूसी नॉवल्स के, ये तो उसका शौक था जनाब। चिप्स इंजॉयड दीज, चिप्स इनसे पढ़ के लुत्फानंदोज होता था। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और ज़ेनोफोन, बाज़कात वो यूनानी और रूमी राइटर्स की किताबों को लेता, शोरा कराम थे ये, एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वर्जिल और ज़ेनोफोन ये राइटर्स थे, ठीक है, यूनानी और रोमन, और कुछ लम्हे के लिए उनको पढ़ता। बट ही वॉज सून बैक अगैन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये उस दौर के दो मशहूर जासूसी किरदार और नॉवल्स थे। लेकिन जल्द यानी उन किताबों को पढ़ने, यानी उसने ये उठाई, वर्जिल को कभी पढ़ा, कभी ज़ेनोफोन को, लेकिन जल्द ही वापस ना वह इन जासूसी, इन डिटेक्टिव नॉवल्स की तरफ आ जाता, उनको पढ़ना शुरू कर देता। He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar. Despite his long years of assiduous का मतलब क्या होता है? इसके बावजूद के तवील अरसा, assiduous का मतलब कि hard working, बड़ी उसने जिद्दोजहद मेहनत के साथ teaching की, पढ़ाया, ठीक है, laborious, इतनी मेहनत की उस तदरीस के तवील अरसे के बावजूद, he was not, वो नहीं था a very प्रफाउंड, प्रफाउंड क्या, डीप, गहराई में क्लासिकल स्कॉलर का मतलब क्या है, उस क्लासी की तालीम को या उसका इल्म रखने वाला वो शख्स नहीं था। यानी इतना अरसे से वो ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस को पढ़ा रहा था, लेकिन इतने अरसे के बावजूद भी उसका इन लैंग्वेजेस के बारे में इल्म जो है वो ख़ास हद तक तो था, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा इल्म वो नहीं रखता था, स्कॉलरली नहीं था वो ज़्यादा। Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages. हकीकत में वो लातीनी और यूनानी ज़ुबान को मुर्दा ज़ुबान है समझता था कि भाई आप उनको कोई नहीं बोलता था। From which English gentlemen ought to know a few quotations, कि जिसमें से अंग्रेज़ों को जो है सिर्फ चंद प्रोवर्ब्स को, sayings को, कहावतों को ही सीख लेना चाहिए, than as, बजाय इसके कि इनको पढ़ा जाए living terms, जिंदा ज़ुबानों के तौर पे, कि आप उनके अपने ममालिक भी नहीं बोल रहे थे। ये फिर वही हवाला जो हमने हैरो में पढ़ा था, फर्स्ट हीरो में, विंस्टन चर्चिल जैसा, ठीक है, That had ever been spoken by living people, कि जिनको कभी जो लोग थे बतौर जिंदा ज़ुबानों के या पर बोला करते, वो कहते भाई ठीक है किसी ज़माने में इन ज़ुबानों को बोला जाता था, अब ये ज़ुबानें मज़ीद इस्तेमाल में नहीं हैं, अब ये मुर्दा ज़ुबानें हो रही हैं, तो बस आप इसमें से चंद ज़र्बुल अम्साल को सीख लें, अंग्रेज़ों को चाहिए, बाकी वो कहते इनको पढ़ना ज़रूरी नहीं था। ये उसका अपना भी ख्याल यही था इन ज़ुबानों के बारे में। ही लाइक द शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स, उसे वो अहम जो आर्टिकल्स थे, मज़ामीन वो पसंद थे, इन द टाइम्स, द टाइम्स नामी अखबार, ठीक है जी, लंदन का बहुत पुराना अखबार है ये, यूके का, जो द टाइम्स नामी अखबार में अहम जो
आर्टिकल छपते थे, मजामीन छपते थे, उन्हें वो पसंद करता था. दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, कि जिसमें तारुफ करवा दिया जाता था चंद एक टैग्स का, मतलब के कोटेशंस का, दैट ही रिकग्नाइज, यानी कि लैटिन या ग्रीक कोटेशंस को उन मजामीन के अंदर ज़रा लिख दिया जाता था, जिससे वो फौरन पहचान जाता. टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वॉज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेसनरी. अब वो क्या कहता है, टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर, कि ये तादाद, स्विंडलिंग का मतलब कि डिक्रीजिंग, कि ये उस कम होती हुई तादाद में शामिल लोगों में शामिल था, हु अंडरस्टूड सच थिंग्स, कि जिनको इस तरह की बातें समझ आ जाती थी. एंड वॉज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट, और ये उसके लिए एक राज था, एंड वैल्यूड, और निहायत ही अहम फ्री मेसनरी, आपस में ब्रदरहुड थी, यानी कि वो चंद लोग जो आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रहे थे, जो अब इन ज़ुबानों को समझ जाते थे, और एक लिहाज से ये उनकी एक बॉन्डेज थी, यानी अखबार में जब उन आर्टिकल्स को पढ़ते तो उनके दरमियान एक बॉन्डेज, यानी जिसने लिखा वो भी लैटिन जानता था, अब मिस्टर चिप्स जैसे बंदे ने जिसने पढ़ा वो भी ज़ुबान को जानता था, तो वो अपने घर, ये अपने घर, लेकिन उनके दरमियान एक बॉन्डेज बन जाता था उस ज़ुबान की वजह से जो आर्टिकल्स में यूज़ हुई होती. फ्री मेसनरी का मतलब क्या है, एक कॉमरेडशिप थी, एक उनके दरमियान एक कंपेनियनशिप थी. इट रिप्रेजेंटेड, ये बात इस चीज़ के ऊपर हवाला देती थी, पेश करती थी, ही फेल्ट, के जिसे वो महसूस करता था, वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स, कि ये भी बहुत से अहम मफादात में से एक, यानी उसका फ़ायदा था, टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लासिकल एजुकेशन, जो आप इस पुरानी यानी लैटिन और ग्रीक ज़ुबानों से हासिल कर सकते थे. वो कहते बस इन ज़ुबानों का यही फ़ायदा था कि चलो आप कुछ कोटेशंस को सीख लो, या फिर ये कि कहीं कहीं कोई आर्टिकल लिखा हुआ आ जाए उसमें ग्रीक या रोमन लैंग्वेज की कोटेशन लिखी हुई हो, आप जो कि ज़ुबान को जानते हैं तो आप उसको समझ जाते थे. कहते ये भी उन चंद फवायद में से एक फ़ायदा था जो इस क्लासिकल तालीम से आप हासिल कर सकते थे. ठीक है मेरी, इसको अब हम यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग एक पैराग्राफ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद इट्स एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो अपने उससे ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.